राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया दिया है। बचपन में ही माता पिता को खा गया, अपनी वृद्ध दादी को कष्ट दिया, भाई भाभी को दुख पहुंचाया, अपनी पत्नी और बच्चों को भी सुख नहीं दे पाया। अच्छा तो यही होगा कि मैं अपना ये देह त्याग ही दूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ हाँ मैं मर जाऊंगा। रुक जाओ नरसी, ये देह तुम्हारा नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें दिया, तुम इसे नहीं त्याग सकते। इस संसार में सुख दुख का एकमात्र कारण मनुष्य का मन ही है। तुम निर्दोष हो, तुमने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे कई नामों से संसार बुलाता है, बस यूं समझ लो मैं तुम्हारा, तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज हो। जब प्राणी में मैं और मेरा समाप्त हो जाता है तभी उसे मेरा आभास होता है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा सच्चा मित्र। आत्महत्या मत करो, रुक जाओ। क्या करूं, कहां जाऊं? इस अंधेरी रात में कहां जाऊं? इस जंगल में हे भगवान मैं कहां जाऊं? प्रभु मैं कहां जाऊं?
पत्थर नहीं बल्कि साक्षात कैलाशपति हैं। जंगल की भयावी रात, नाना प्रकार के हिंसक जंतु चारों ओर बोलने लगे। कितने ही जीव उस मंदिर में सोने के लिए आए और नरसिंह जी को देखकर वहां से चले गए, परंतु नरसिंह जी को इस सब की सुध नहीं थी। वो तो अखिल भुवनपति के ध्यान में पड़े उन्हीं को पुकार रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार न मालूम कहां विलीन हो गया, परंतु नरसिंह जी के जीवन में अभी भी अंधेरा ही है। वह धरती पर पड़े रुदन और विनती करते रहे। फिर दिन बीता, फिर रात आई, और यूं ही रात दिन का सिलसिला चलता रहा। बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए दिन रात इसी स्थिति में पड़े रहे, पर उनकी श्रद्धा और संकल्प लेश मात्र भी डगमगाई नहीं। आज सातवां दिन है, सूर्य उदय हो चुका है। अरे अरे, ये क्या? उधर कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव का आसन ढोल रहा है। स्वामी, वो देखिए, आपके परम भक्त नरसिंह जी की भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है और थोड़ी चिंता भी। क्यों न होगी, उसकी श्रद्धा और संकल्प से आपका आसन जो डोलने लगा। पार्वती, अब आपसे क्या छुपाव है, आसन तो अवश्य डोल रहा है। तो कुछ कीजिए, बेचारा नरसिंह 7 दिनों से भूखा प्यासा आपकी स्तुति कर रहा है। चलिए आइए, पृथ्वी पर चलकर देखते हैं। नारायण 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 नारायण। ओह, ये है मेरा परम भक्त नरसिंह। स्वामी, अगर कोई मनुष्य किसी निर्धन के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वो भी उसकी कुछ न कुछ खबर जरूर लेते हैं, उसका दुख दर्द बांटते हैं। फिर आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपको नरसिंह के दुखों का निवारण अवश्य करना चाहिए। बड़ी पीड़ा में होगा बेचारा नरसिंह। स्वामी स्वामी, शीघ्र ही कुछ करें, आप पिता हैं, आप पर क्या बीत रही है मैं नहीं कह सकती, पर मैं एक माँ हूँ, मुझसे अपने बालक का कष्ट नहीं देखा जाता। आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ, मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है भक्त नरसिंह की ये दशा देखकर। मैं अभी इसी क्षण नरसिंह की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर देता हूँ। हे स्वामी, आपका एक नाम आशुतोष भी है, पूरी सृष्टि आपको भोले भंडारी के नाम से जानती है। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले, सदैव सच पर कृपा करने वाले, हे विश्वनाथ, आप तो ईश्वर हैं और ये एक मनुष्य और आपका परम भक्त है, ये आपकी विशेष दया का पात्र है, इस पर अति शीघ्र कृपा करें। जैसी आपकी आज्ञा देवी, मैं अभी नरसिंह को साक्षात दर्शन देकर उसका सारा कष्ट दूर कर देता हूँ। स्वामी, इसीलिए मुझे आपकी पत्नी होने का अत्यधिक गर्व है, आप महान हैं। अब अपने भक्तों को दर्शन दें, मैं कैलाश में आपकी प्रतीक्षा करूँगी। जय महादेव। जय हो देवी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उठो नरसिंह। नरसिंह, मैं आ गया। कौन कौन? महादेव साक्षात मेरे सामने? नहीं नहीं नहीं, ये सपना है, ये भ्रम है। सपना तो अब टूटा है, सारा भ्रम दूर हो गया। मैं स्वयं शिव तुम्हारे प्रेम की डोर में बंधा हुआ यहाँ आया हूँ। बोलो नरसिंह, तुम्हारी क्या मनोकामना है, वर मांगो। हे प्रभु, मैं भला वर मांगना क्या जानू, मैं आपका अज्ञानी बालक जो ठहरा। मुनि कह मैं वर कबहू न जाचा, समुभिन परे झूठ का साचा।
मैं आपसे असत्य वस्तु की याचना करके दुख में ही तो पड़ूंगा। मैं सब जानता हूं नरसिंह, पर फिर भी तुमने बड़े मन से मुझे पुकारा है। अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। हे विश्वनाथ, मैं क्या वर मांगू, फिर भी आप मुझे देना ही चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दें जो आपको अति प्रिय हो। नरसिंह ने तो ये बड़ा विचित्र वर मांग लिया। जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी को भी नहीं बताता। सब मुझे भोले बाबा कहते हैं मैं अल्प गुणों से शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ और बिना सोचे समझे वर दे देता हूँ। मैंने रावण वकासुर आदि को वर दिया था जिसके कारण मुझे बड़ी भारी विपत्ति सहन करनी पड़ी थी, परंतु नरसिंह जैसे भक्त से यह भय नहीं है। यह तो महान शिव भगवत भक्त हैं, भविष्य में हरि गुणगान करेगा। पर इसे दूं तो क्या दूं, मेरे प्राणों से प्रिय श्री श्याम सुंदर हैं, क्यों ना वो ही इसे दे दूं। हे प्रभु, आप कुछ विचारों में खोए लग रहे हैं, मेरी बातों पे ध्यान न दें। मैंने कुछ अनुचित मांग लिया हो तो मैं ठहरा अज्ञानी। नहीं नरसिंह, अज्ञानी तुम नहीं, अज्ञानी तो संसार के अन्य जीव हैं जो मेरी भक्ति करते हैं केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का वरदान देने के लिए मुझे तनिक भी समय नहीं लगता, तुरंत तथास्तु बोल देता हूँ। पर तुमने जो वर मांगा है वो बहुत विचित्र है। तुम्हारे सच्चे मन और भोली भाली बातों ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। बड़ा सुंदर वर मांग लिया तूने नरसिंह। संपूर्ण जगत में मेरे इष्ट से अधिक प्रिय वस्तु मेरी दृष्टि में न दूसरी कोई है और न होगी, अतः मैं तुम्हें अपने इष्ट के प्रेम का वरदान प्रदान करता हूँ। आपके इष्ट? हाँ नरसिंह, परम परमेश्वर मेरे आराध्य और मेरे जीवन, पूरा जगत मेरी स्तुति करता है और मैं अपनी हर सांस से अपने इष्ट को कैलाश पर बैठा भजता रहता हूँ। वही मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। मैं धन्य हो गया प्रभु, पर वो कौन है? मुझे उनके दर्शन करा दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कौन है वो? बताऊंगा मैं। तुम्हारी निष्ठा, भक्ति और भोलेपन पर रीझकर तुम्हारा यह मनोरथ अवश्य पूरा करूंगा। मेरे आराध्य अपने दिव्य लोक में लीला कर रहे हैं, परंतु वहां लीला में प्रवेश करने के लिए मैं तुम्हें दिव्य देह प्रदान करता हूं। आओ आओ मेरे साथ। थोड़ी जन्मभूमि भाई भाभी के प्रति जो ममता थी वह नष्ट हुई। प्राणोत्सर्ग करने की इच्छा से नरसिंह जी घर से निकले थे, किंतु सत्संग के द्वारा इतना विवेक तो हो ही गया था, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक शिवालय में आश्रय प्राप्त किया और भाई शिव भक्ति का फल ही है कृष्ण भक्ति। स्वयं श्री राम जी ने कहा है, और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर जी वैष्णवों में अग्रगण्य जो ठहरे, जो भी जीव कृष्ण भक्ति के लिए चलता है शंकर जी सदैव उसे सहयोग करते हैं। भागवत जी में भी वर्णन है, जिस समय प्रचेता गण श्री ठाकुर जी की भक्ति के लिए चले हैं तो शंकर जी का प्रथम दर्शन प्रचेताओं को प्राप्त हुआ है और वहाँ स्वयं भगवान शंकर ने प्रचेताओं को कहा है, भगवंतम वासुदेव प्रपन्नः सब ही प्रियो ही मे। मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति करने वाला मुझे परम प्रिय है।
प्रचेताओं को सहयोग करने के लिए शंकर जी आए हैं और रुद्र गीत का पाठ करने के लिए कहा है। रुद्र गीत के माध्यम से ही प्रचेताओं को अतिशीघ्र प्रभु की प्राप्ति हुई है। आगे जिस दृश्य को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, भक्तमाल जी में श्री नाभा जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है, रस रीति भक्ति हृदय धरी। इस कलिकाल में परम दिव्य और परम दुर्लभ युगल की रसोपासना, रस तत्व को ग्रहण करने का अधिकारी केवल नरसी जी ही दिखाई दिए, और रस रीति भक्ति जो रसोपासना है, इतनी गूढ़ उपासना है कि किसी रस सिद्ध संत के आश्रय से ही इसको समझा जा सकता है, और वह परम गोपनीय रस तत्व श्री नरसी जी को प्राप्त हुआ है। इसका प्रमाण है नरसी जी को सहचरी रूप से नित्य रास की प्राप्ति हुई। ये रास रस सामान्य नहीं है जिसका अधिकारी नरसी जी को प्रभु ने समझा। श्री भगवत रसिक जी का भाव है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। रस रीति की जो उपासना है वो बहुत आगे की उपासना है। सबसे प्रथम सोपान भक्तों के मुख से भगवत वाणी का श्रवण करना, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, दूसरा सोपान है नवधा भक्ति, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। किसी रसिक सद्गुरु जन का आश्रय, और चौथे होय विरक्त बसे वनराज रसीलो। वैराग्य लेकर धाम में निवास करना ये चौथा सोपान है। पांचे भूले देह सुध और छठे भावना रास की, पांचवी सीढ़ी में आत्मविस्मृत अवस्था में श्री ठाकुर जी का अखंड स्मरण अखंड भजन और छठे भावना रास की, उसके बाद रास की भावना बनेगी, तब सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरदास की, सातवें सोपान पर कहीं जाकर रसोपासना है। तो विचार करें, रस भक्ति केवल कह देने मात्र से कोई रसिक नहीं बन सकता है। बिहारेन्द्र जी ने लिखा है, कहा बजावे गाल, रसिक रसिक चिल्लाना केवल गाल बजाना है। रसिकता का जीवन में आना ये केवल रस सिद्ध संतों की कृपा से ही संभव हो सकता है। जब तक प्राकृत काम प्राकृत भाव हैं, तब तक रसोपासना रस तत्व की प्राप्ति होना बहुत ही कठिन है, असंभव ही है। किंतु नरसी जी को जिस रसोपासना की प्राप्ति हुई है, जो सहचरी भाव नरसी जी को प्राप्त हुआ है, नरसी जी ने एक पद में इस भाव को गाया है, बहुत सुंदर पद है नरसी जी का। आज सखीरी वृंदावन मां मधुराते मुरली वागी रे, आज सखीरी वृंदावन मां मधुराते मुरली बागी रे, सुन तारे चित हरिया मारो सजनी, तारे चित हरिया मारो सजनी, हर निद्र माथी हूँ जागी रे, हर निद्र माथी जागी रे, आज सखीरी वृंदावन मां मधुराते सखी वृंदावन के मां मधुराते मुरली
जागत स्वपन सुसुपित तुरिया ताली लागी रे आज सखीरी वृंदावन मा मधुरात मुरली बागी रे आज सखीरी वृंदावन मा मधुरात गुण रहित थयो मन मारो काम वासना भागी रे काम वासना भागी रे स्वामिनी लीला हरते ज्योति ज्योति रे आज सखीरी वृंदावन मा मधुराते मुरली वागी रे आज सखीरी मधुराते मुरली वागी हर अमारो सजनी सुन तारे चित हर अमारो सजने हर निद्र माथी हूँ जागी रे हर निद्र माथी हूँ जागी रे आज सखीरी वृंदावन मा मथुरा मधुराते मुरली बागी रे त्रिगुण रहित भयो त्रिगुण रहित थयो मन मारूं त्रिगुण रहित थयो मन मारो काम वासना भागी रे काम वासना स्वामिनी लीला रते वीणु ज्योति ज्योति रे वीणु ज्योति ज्योति रे आज सखीरी वृंदावन मा मधुराते मुरली बागी रे आज सखीरी वृंदा मधुराते मुरली बागी रे सुन तारे चित हरा मारो सजनी भर निद्र माथी हूँ जागी रे भर निद्र मा हरा मारो सजनी भर निद्र माथी जागी रे परम भागवत श्री नरसिंह जी महाराज का यह भाव उनके सखी सहचरी भाव को स्पष्ट करता है। जहाँ
साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, नरसिंह जी महाराज का जिस परम गोपनीय परम गूढ़ रसोपासना में निर्बाध प्रवेश है, ऐसे अनेकों श्री भक्तमाल जी में जैसा कि लिखा है, नरसी अली तस्कर नवनीता की, नरसी जी साक्षात श्री युगल की सहचरी हैं और शंकर जी के माध्यम से किस प्रकार नरसी जी को रास रस में प्रवेश प्राप्त हुआ है ये हम लोग आगे के दृश्य में देखने जा रहे हैं, जहाँ नरसी जी अपने बल बुद्धि का प्रयोग न करते हुए नरसी जी से यही श्री शंकर जी से यही मांगे हैं कि आपको जो परम प्रिय वस्तु हो आप हमें वही प्रदान करने की कृपा करें। और शंकर जी जिन्हें महारास रस अत्यंत प्रिय है, वही अत्यंत प्रिय रस शंकर जी ने कृपा पूर्वक नरसी जी को प्रदान किया है। और नरसी जी जिस समय गए हैं नित्य रास रस में, शंकर जी की कृपा से मशाल की सेवा नरसी जी को प्राप्त हुई और किस तरह से सेवा करते करते नरसी जी अपने सेव्य की सेवा सामग्री बन जाते हैं, जहाँ आत्मविस्मृति नरसी जी को हो जाती है, देह की सुधबुध नहीं रहती और मशाल के स्थान पर उनका हाथ ही मशाल का कार्य करने लग जाता है, क्योंकि चेतस तत्प्रमणम विद्धि, सेवा में चित्त का लय हो जाना ही सच्ची सेवा है। जब तक सेवा में चित्त नहीं लगा है तब तक सेवा केवल एक बाह्य आडंबर जरूर रह सकती है, किंतु सच्ची सेवा में सेव्य की सामग्री बन जाना, चित्त का इतना लय हो जाना कि देह की सुधबुध भी न रह जाए, आत्मविस्मृत स्थिति हो जाए, ऐसी सेवा नरसी जी ने महारास लीला में की है। और नरसी जी के अनेकों ऐसे भाव हैं, सखी सहचरी भाव के अनेकों पद नरसी जी ने लिखे हैं जिनसे उनकी सखी भावना सुपुष्ट होती है। बड़ा सुंदर नरसी जी का पद है, कान्हा कांकड़ ली ना घालो मारी फूटे गागड़ ली, थे तो थारा घर का ठाकड़ मैं भी ठाकड़ ली, और अकड़ अकड़ बोले कान्हा मैं भी आकड़ ली, थे तो ओढ़ो कारी कमरिया हाथ में लाकड़ ली, नौलक धेनु नंद घर दुईया एक ना बाखड़ ली। यहाँ नरसी जी स्वयं सखी भाव से ये पद गाए हैं, जहाँ उन्होंने निवेदन किया है, नौलाख गाय नंद बाबा के यहाँ हैं लेकिन भूमि तो हमारी ही है जहाँ 900,000 गायों को बसेरा मिला है, माखन माखन आपने खायो रह गई छाछड़ ली, जाय पुकारो कंस के आगे मारे थापड़ ली, और वृंदावन में धेनु चरावे मोर की पाखण ली, नरसी को सांवरिया जैसे दूध में साकड़ ली। ये भाव नरसी जी का श्री ठाकुर जी से एक ऐक्य दर्शाता है, एक अभिन्नता दर्शाता है, जहाँ नरसी जी और श्री ठाकुर जी, जैसे परमानंद दास जी का पद है, माई री मेरो माधव सो मन मान्यो, अब क्यों भिन्न होए मेरी सजनी, दूध मिलो जैसे पान्यो। इतना रचपच जाए अपने इष्ट में मन, जैसे दूध में जो पानी मिल जाता है फिर दूध से उसको विलग नहीं किया जाता, वैसे ही इष्ट में इतना ऐक्य भाव हो जाए, इतना रचपच जाए कि जहाँ अपने इष्ट से चित्त की कोई भिन्नता न रह जाए। और ऐसा ही दर्शन इस महारास लीला में हम लोग करने जा रहे हैं, अग्रिम दृश्य में, जहाँ नरसी जी देह की सुधबुध खो गए हैं रसोपासना में।